नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो चलिए आज जलेबी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी का यूज़ किया है और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आपके पास फूड कलर ना हो तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे, हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब हम जलेबी के लिए बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पे 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं यहाँ चम्मच से कर रही हूँ, आपके पास अगर हैंड विस्कर है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। ये देखिए एक अच्छा सा कलर हमारे बैटर में आ चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी जलेबी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पन्नी ली है, उसमें हम बैटर डाल देंगे। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम इसकी जलेबियाँ बनाएंगे। हम जलेबियों को अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिका लेंगे। अब हमारी जलेबी पक चुकी है। अब हम इसमें जो हमने चाशनी बनाई हुई थी उसमें डालेंगे। ये देखिए हमारी जलेबी बिल्कुल तैयार है।